ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, हमारे श्रमिक मंत्री में आज मौजूद है नए मेहमान हिमांशु पुनीत, युवा साथी हैं, युवा नेता हैं, युवा चेहरा। आइए जाने मुश्किल जिस तरीके से उन्हें बहुत सारे संगठन में काम करने के बाद आखिरकार हर किसी का एक सपना ड्रीम होता है कि वो राजनीति में एंटर करे। इस बार आगामी 2022 चुनाव के लिए उन्होंने बिल्कुल बजा दिया है, आम आदमी का दामन थामा है। आइए सीधे ही चलते हैं हिमांशु पुनीत के पास, क्या है उनका रणनीति। हिमांशु पुनीत जी, हमारे श्रमिक मंदिर स्टूडियो में आपका स्वागत है, वेलकम है। जिस तरीके से आपकी बात करें पीछे, जैसे जितना आपको जानता हूँ, बहुत साल से पिछले कई वर्षों से आप देखते सक्रिय हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म आपको बेसिक नहीं मिली हो, लेकिन ये सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता हमेशा रही आपकी, तो बहुत सारे संगठनों में क्या स्टार्टिंग आपकी बात करें, सामाजिक पृष्ठभूमि कहाँ से शुरुआत की, कब शुरू की थी आप? सर, मैंने जो अपना एक कारोबार स्टार्ट किया, ये मैंने एक एनजीओ है हमारी, अपना रोटी बैंक, इसके द्वारा हमने अपना सामाजिक कार्य करना शुरू किया, जिसके द्वारा हम बहुत जनता से जुड़े, हम लोगों से मिलते रहे। रोज हम लाखों की जनता से हमारा इंटरेक्शन होता, सोशल मीडिया पे, इधर उधर, सभी और सभी मेरे यार दोस्त मित्र मुझे कहते हैं कि हिमांशु जी, आपको राजनीति में दोबारा से सक्रिय होना चाहिए। और बहुत टाइम से राजनीति मैंने छोड़ दी थी, लेकिन मेरे जो जितने भी मित्र मेरे जुड़े हुए हैं, मेरी फैमिली ने मुझे कहा, मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आपको दोबारा सक्रिय होना चाहिए, जब आपका इतना अच्छा सर्कल है, तब क्यों ना सरकार में आगे कुछ ना इलेक्शन फाइट कुछ ऐसा अपने उत्तराखंड के लिए करें जिससे पूरे उत्तराखंड को आपके ऊपर नाज हो। या मासू जी, पीछे बात करें कि बीजेपी के सक्रिय रहे, उसमें भी नेता आपका बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे थे, कुछ सुर्खियों में ये भी खबर आ रही है कि कभी आप यहाँ थे, लेकिन कांग्रेस के साथ भी ताल्लुकात अच्छे थे आपके, तो आखिरकार क्या वजह थी कि दोनों जगह संतुलन नहीं बन पाई आपकी? सर, मैं आपको बताऊँ, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं जो दिखता है उसे मानता हूँ, और मैंने दोनों पार्टियों में रह के देखा। मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ अपने उत्तराखंड के लिए करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि सर हमारे उत्तराखंड के यूथ को कुछ फायदा मिले, जितना भी बेरोजगारी हुआ है उसे हमें रोजगार दे सके, शिक्षा की जो इतनी खस्ता हालत हो गई, बुरी हालत हो चुकी है, हम उस पर भी नया मॉडल दिए। चिकित्सा की बात की जाए तो हमारे यहाँ से अभी थोड़ा दिन पहले देखा, डोरियों में बिठा बिठा के रिकॉर्ड नीचे लेके आ रहे हैं, फिर भी राज्य में लाखों लोग मर रहे हैं, त्रस्त है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपना दोबारा निर्णय ले गई, हिमांशु आपको राजनीति दोबारा सक्रिय होना चाहिए, और मैंने इन दोनों पार्टियों में के लिए काम भी किया, मैं दिल से काम किया, मैं जिसके साथ जुड़ा हूँ दिल से इज्जत भी करता हूँ, लेकिन एक पार्टी की रीति नीति होती है, एक सोच होती है, और मुझे वहाँ वो सोच नहीं मिली। दूसरा, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं जमीन में काम करना पसंद करता हूँ। जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सब ने कहा कि हिमांशु तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम दिन रात लगे रहते हो, तो अपनी फैमिली तक को टाइम नहीं देते, तुम्हें आगे आना चाहिए। तो जब मैंने वहाँ अपनी बात रखी, तो वहाँ जो उन्होंने मेरी बात पर रिजेक्ट किया, हालाँकि आपको पता ही है कि बीजेपी एक लालाओं की पार्टी की रहेगी, जिसके पास पैसा है वही उन्हीं के काम होंगे, जितने भी अध्यक्ष बनेंगे वो सब पैसे वाले लोग ही बनेंगे, कांग्रेस में भी पैसे की राजनीति होती है। एक इस पार्टी का विजन और जो मोटो मैंने देखा वो ये था कि ये यूथ को बढ़ावा दे रहे हैं, यूथ की बात पर तवज्जो दे रहे हैं, यूथ को फ्रंट में लेके आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं इनसे प्रेरित होकर मैं आम आदमी पार्टी का साथ चुना। लेकिन अब जब मैं राजनीति छोड़ चुका था, मेरा राजनीति में से विश्वास उठ चुका था, जब मैंने कांग्रेस में रहा, बीजेपी में रहा, दोनों पार्टियाँ एक जैसी थी, मैं दो साल से मैंने किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं की, इन दो साल से मैं इन्हें आम आदमी पार्टी को वॉच कर रहा, तो एक पूरा होमवर्क करने के बाद मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होता है पार्टी स्विच करने, तो ये मैंने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है, और मुझे पता है कि ये डिसीजन हमारे आने वाले उत्तराखंड के लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए बेहतर डिसीजन साबित है। मासू जी, आपने बताया कि दोनों पार्टी में अंदर घुस के देखा, बाहर से जो सच्चाई जो दिखती है, जो अंदर जो होती है कहानी और होती है, बाहर से कुछ और दिखाई देता है। आपकी एक इच्छा शक्ति थी कि उत्तराखंड होने के, युवा होने के नाते बहुत कुछ करने की, तो क्या लगा दोनों रास्ते पर, एक पर सवाल उठा रहा हूँ, दोनों पार्टियों में उत्तराखंड के सोच से हट के काम करते हुए उनकी युवा के लिए कोई रणनीति नहीं है? देखिए, आपने देखा होगा कि
पहले भी सीएम साहब रावत रहे और दोबारा भी सीएम साहब रावत रहे हैं, और अक्सर देखा गया है कि दोनों एक ही थाली चट्टे बट्टे में डाउन बन गई, दोनों पार्टियाँ एक जैसी हैं, सिर्फ दिखावट के लिए सिर्फ मुखौटे बदल जाते हैं 5-5 साल के लिए, अंदर से सब राजनीति एक दूसरे को संरक्षण देते हैं, एक दूसरे के काम होते हैं, दिखाने के लिए पार्टीबाजी होती है, लेकिन अंदर सब एक दूसरे में ही जुड़े हैं। आज 5 साल तुमने राज किया, 5 साल हमने राज किया, और जनता का बेवकूफ तो हमेशा से बनता है, एक आम जनता 20 साल हो गए उत्तराखंड को यूपी से अलग हो गए, 20 साल में आप भी बताइए, आप भी उत्तराखंड में जाते हैं, आपके आप मतलब एक सवाल है, अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि क्या आप संतुष्ट हैं उत्तराखंड में जो शिक्षा प्रणाली है, जो चिकित्सा प्रणाली है, यहाँ के रोजगार से? आज भी मैंने देखा कि कुमाऊं क्षेत्र में एक किसान ने आत्महत्या करी और अपने दो बैलों को भी उसे जहर दे के मार दिया, वो आदमी नहीं आ रहा है, वहाँ इंसानियत आ रही है, वहाँ उस परिवार की लाचारी आ रही है, गरीबी आ रही है, वहाँ जाकर अगर कोई संवेदना देता भी है तो वहाँ कुछ बचा नहीं। कहने का मतलब सिर्फ मेरा ये है कि दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश को लूटा है और जमकर लूटा है। अब हम युवाओं की बारी है कि हम लोग फ्रंट में हैं, सामने आए और एक ऐसे नव उत्तराखंड का निर्माण करें कि जिसे भी हम एक दुनिया में मॉडल साबित कर सकें, जैसे कि दिल्ली की तर्ज पे एक मॉडल रखा जा रहा है जो कि हमारे देश में दुनिया भर में उसकी तारीफ हो रही है, वहाँ के स्कूल्स, हमारे यहाँ के जो संजोफ हैं, सेंट्रूड्स हैं, स्कॉलर्स होम हैं, बड़े बड़े स्कूलों की तर्ज पे वहाँ के सरकारी स्कूल बन रहे हैं। एक अगर बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देंगे तभी एक किसी देश का उज्ज्वल भविष्य हो पाएगा।